हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। सो लेट स्टार्ट द सेशन। टुडे वी रीड इडियम्स फ्रेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आज हम लोग इडियम्स फ्रेजेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चंस एबाइड बाई। एबाइड बाई मीन्स होता है ओबे या फॉलो स्ट्रिक्टली, कीप बाई अ प्रोमिस और डिसीजन। अबाइड बाई मीन्स होता है ओबे करना या फॉलो स्ट्रिक्टली, अनुकरण करना या आज्ञा का पालन करना या कहा मानना या वादा निभाना, ये सब होता है अबाइड बाई। एंड एग्जाम्पल्स, एवरी वन शुड अबाइड बाई रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रत्येक को अबाइड बाई, फॉलो करना चाहिए या ओबे करना चाहिए रूल्स, नियमों और रूल्स एंड रेगुलेशंस को, नियम और प्राधिकरण को। तो एबाइड हमेशा प्रीपोजिशंस में बाई लेता है। एबाइड हमेशा जो है डियर प्रीपोजिशंस में बाई लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट फेस। नेक्स्ट इडियम्स अबाउट फेस। अबाउट फेस मीन्स होता है कंप्लीट रिवर्स, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ वंस बीव्स आर एक्शंस। अपने विचारों और कार्यों का पूरी तरह से टर्न आउट कर देना, पूरी तरह से बदल देना या पूरी तरह से विपरीत हो जाना, वो होता है अबाउट फेस। एंड एग्जाम्पल, ही डिड अ कंप्लीट, उसने पूरी तरह से किया था अबाउट फेस, पूरी तरह से रिवर्स अपने विचारों को आफ्टर द इलेक्शन, चुनाव के बाद। चुनाव के बाद उसने पूरी तरह से अपने विचारों को उन्होंने कंप्लीट रिवर्स कर दिया था, मींस वो बदल गए थे, टर्न आउट हो गए थे। तो अबाउट फेस मीन्स होता है डियर कंप्लीट रिवर्सल ऑफ वंस बीव्स और एक्शंस। एंड नेक्स्ट इडियम्स एबो ऑल। एबो ऑल, एबो ऑल मीन्स होता है मोर देन एनीथिंग इल्स, मोर देन एनीथिंग इल्स, कोई भी बहुत ज्यादा जो मात्रा में हो एबो ऑल होता है। एंड एग्जाम्पल, ही इज अ गुड प्लेयर, ए गुड कंपेनियन एंड एबो ऑल, और उसके अतिरिक्त अ परफेक्ट जेंटलमैन, और उससे ज्यादा जो है वो एक परफेक्ट जेंटलमैन भी है। तो वो एक गुड प्लेयर है, गुड कंपेनियन है एंड एबो ऑल अ परफेक्ट जेंटलमैन है, मोर देन एनीथिंग एल्स मीन्स उससे ज्यादा। ध्यान रखिएगा एबो ऑल इंपॉर्टेंस भी है मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड नेक्स्ट इडियम्स एबो बोर्ड। एबो बोर्ड मीन्स होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार एवं स्पष्ट। ईमानदार, जो ईमानदार हो और स्पष्ट या फ्रैंक हो या स्पीक्स फ्रैंकली, जो एकदम क्लियर बोले। एंड एग्जाम्पल, इफ ऑल पॉलिटिशियंस वर एबो बोर्ड द वर्ल्ड, इफ ऑल पॉलिटिशियंस वर एबो बोर्ड, यदि सभी राजनीतिज्ञ, राजनीति करने वाले ईमानदार हो जाएंगे, फ्रैंक हो जाएंगे या ईमानदार हो जाएंगे तो द वर्ल्ड, यही संसार वुड बी, होगा अ बेटर प्लेस, एक अच्छा स्थान टू लिव इन, रहने के लिए। इफ ऑल पॉलिटिशियंस वर एबो बोर्ड द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो एबो बोर्ड मीन्स होता है डियर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। एबो बोर्ड मीन्स होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। नेक्स्ट इडियम से एबो वंस हेड। एबो वंस हेड, एबो वंस हेड मीन्स होता है डियर बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, समझ से परे जो चीजें होती हैं वो होता है एबो वंस हेड। एंड एग्जाम्पल, ही ट्राइड, उसने प्रयास किया टू वर्कआउट, सॉल्व करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए द प्रॉब्लम, समस्या को इन कैलकुलस, कैलकुलस में, बट इट वॉज एबो हिज हेड। He tried to work out the problem in calculus. उसने calculus में problems को solve करने का प्रयास किया, but it was above his head. वह उसके समझ से परे था, beyond one's understanding. Next idioms, ABC. ABC means होता है dear fundamentals, fundamentals या simplest fact of the subjects, very easy to understand, जिसको बोल सकते हैं आप। Examples,
वन कैन नॉट लर्न अ लैंग्वेज विदाउट नोविंग, कोई भी एक जो है कोई भी कैन नॉट लर्न नहीं सीख सकता है अ लैंग्वेज एक भाषा को विदाउट नोविंग बिना जाने हुए द एबीसी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इट्स ग्रामर उसके ग्रामर के एक फंडामेंटल्स को कॉन्सेप्ट को बिना जाने वो नहीं कोई लैंग्वेज सीख सकता है। एबीसी मीन्स होता है फंडामेंटल मूल जड़ जिसको बोलते हैं, सिंपलेस्ट फैक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स या अंडरस्टैंडिंग वेरी इजी आसानी से समझ जाना होता है या बेसिक फैक्टर जिसको बोलते हैं वो होता है एबीसी इडियम्स। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर मीन्स होता है डियर एक्सप्लेन व्याख्या करना होता है। एंड एग्जाम्पल इट इज सेड दैट यह कहा गया दैट कि ऑल मेन हैव टू अकाउंट फॉर सभी मेन को आदमियों को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है या व्याख्या देनी पड़ती है दियर एक्शंस अपने कार्यों को ऑन डूम्स डे पूरे दिन भर में। अकाउंट फॉर मीन्स होता है एक्सप्लेन, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इडियम से एचिल्स हील, एचिल्स हील मीन्स होता है ए पर्सन्स वीक और वल्नरेबल पॉइंट किसी व्यक्ति की कमजोर या भेद भेदपूर्ण पॉइंट मतलब होता है कि जो उसको कमजोर बना दे वो होता है वो एचिल्स हील मीन्स वीक पॉइंट एक प्रकार से आप समझिए कमजोर पहलू जिसको बोलते हैं कमजोर। एंड एग्जांपल्स फ्लैटरी चापलोसी वाज द एचिल्स हील, चापलोसी उसका कमजोर पहलू है एचिल्स हील है वीक पॉइंट है दैट की बारो अबाउट हिज डाउनफॉल। तो एचिल्स हील मीन्स होता है कमजोर पहलू, एचिल्स हील मीन्स होता है कमजोर पहलू वीक पॉइंट सब कोई ना कोई एचिल्स हील होती है। नेक्स्ट इडियम से क्रॉस द बोर्ड, क्रॉस द बोर्ड, क्रॉस द बोर्ड मीन्स होता है डियर ऑल इक्वल ग्रुप्स, ऑल इक्वल ग्रुप्स और क्रॉस द बोर्ड मीन्स होता है सभी लोग एक समान रूप से है क्रॉस द बोर्ड। एंड एग्जाम्पल The participation was of not of one party but across the board. The participation, participation was था of not नहीं केवल एक पार्टी का but किंतु across the board किंतु सभी के एक समान रूप से participation भागीदारी थी। तो across the board means होता है dear all equal groups। And new idioms, next idioms act on, एक्ट ऑन या अपॉन, एक्ट ऑन भी लेता है और एक्ट हमारा अपॉन भी लेता है दोनों बातें ध्यान रखिएगा। एक्ट ऑन अपॉन मीन्स होता है फॉलो या डू व्हाट इज सजेस्टेड करना वह जो मुझे सलाह दिया गया था जो सजेस्ट किया गया था करने के लिए एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन। एंड एग्जाम्पल व्हेन वन एक्ट्स अपॉन जब एक एक्ट्स अपॉन फॉलो करता है द इंस्ट्रक्शन निर्देशों को ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स अपने सीनियर ऑफिसर्स का श्रेष्ठ ऑफिसर्स का वन विल बी रिवार्डेड तो वह सम्मानित होगा, तो वह सम्मानित होगा वह उस एक को सम्मानित होना पड़ेगा सम्मानित होगा सम्मानित किया जाएगा उसको। तो एक्ट ऑन एक्ट अपॉन मीन्स होता है डियर फॉलो या डू व्हाट इज सजेस्टेड। सो गाइस आज हम लोगों ने idioms phrases लगभग 10 idioms हम लोगों ने देखा 10 idioms जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के फैक्टर से। सो गाइस नेक्स्ट टाइम पर हम लोग मिलेंगे नए idioms के साथ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे एंड विथ एग्जाम्पल्स के साथ। सो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ये मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा आपको लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, माई चैनल नेम प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। नमस्कार।